Mirchi Bollywood. सलमान खान एक बार फिर से रेस 3 के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं। रेस फ्रेंचाइजी की पहली दोनों फिल्मों में भी मजेदार एक्शन सीक्वेंस की भरमार थी और अब इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। सलमान खान स्टारर रेस 3 साल 2018 की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है। रेस 3 का डायरेक्शन रेमो डिसूजा कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है और इस बीच खबर आई है कि रेस 3 के मेकर्स फिल्म की थिएट्रिकल राइट्स 150 करोड़ में बेचना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो सलमान खान की पिछली फिल्म टाइगर जिंदा है के थिएट्रिकल राइट्स लगभग 130 करोड़ में बिके थे। वहीं जब सलमान खान का नाम रेस 3 से जुड़ा तो इस फिल्म के मेकर्स इस आंकड़े को बढ़ाते हुए 150 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। खबरों की माने तो रेस 3 की सैटेलाइट राइट्स के लिए एक चैनल ने 75 करोड़ का ऑफर दिया है। अब देखना यह है कि मेकर्स इसके आंकड़े में भी उछाल देखना चाहते हैं, इसलिए सैटेलाइट राइट्स को भी 150 करोड़ में बेचा जाएगा। ऐसे में रिलीज से पहले ही रेस 3 के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा और इसी के साथ फिल्म ने रिलीज से पहले ही 300 करोड़ कमा डाले हैं। बता दें कि रेस 3 में सलमान खान के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, शाकिब सलीम और फ्रेंडी दारूवाला भी नजर आएंगे। ये फिल्म इसी साल 15 जून को रिलीज हो रही है।